ओम शांति। आज की साकार मुरली है 8 अप्रैल 2022 की। आज बाबा ने अपनी अवस्था को पावरफुल बनाने के लिए कहा कि सवेरे सवेरे उठ, एकांत में बैठ, विचार सागर मंथन करो कि हम आत्मा हैं, हमें वापस घर जाना है। फिर बाबा पर संपूर्ण बलिहार जाने का भावार्थ बताया कि पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक बाबा की तरफ रहे, कोई भी देहधारी याद न आए, देह का भान टूट जाए। जो ऐसा पूरा बलि चढ़ते हैं, उन्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। और कहा कि बाबा तुम सभी बच्चों पर कृपा करते हैं कौड़ी से हीरे जैसा बनने की, और वह कृपा के पात्र बनने के लिए कहा कि बच्चे कदम कदम पर राय लेते रहो, कुछ भी छिपाना नहीं है। फिर कहा कि बाबा नॉलेजफुल हैं, मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्तव्य करते हैं उनको वह फल मिलता है। फिर कहा तुम्हारा कनेक्शन श्री बाबा से है, तुम्हारे द्वारा बाबा किसी को दृष्टि देंगे उठाने के लिए, बाबा बहुत मदद करते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। और पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाया कि बाप ने कर्म करने की छुट्टी दी है, बाकी रात को जागकर यह अभ्यास करो तो दिन में अवस्था अच्छी रहेगी और बाबा की मदद भी मिलती रहेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। फिर कहा रात को जागना है 2 बजे के बाद, 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है, इसलिए ज्ञान का विचार सागर मंथन सवेरे किया जाता है। चिंतन करना है, अभी वापस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो तो दिन में बहुत मदद मिलेगी। फिर कहा उस पति को तुम कितना याद करती हो, और यह पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सब कुछ बाबा का समझो, कदम कदम पर राय लेते रहो। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। आज मुरली में प्रश्न है, पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। आज मुरली का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया, सब कुछ करके अपने आप छुपाया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकार का अंश है, उसे समाप्त कर देना है, किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है, कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात को, बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेज फुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है,
लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। आज का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।